नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्यूचर ग्रुप के जो डिफरेंट कंपनीज है जिसमें काफ़ी मोमेंटम देखने मिला है पीछे, जब से ये न्यूज़ आया है कि मुकेश अंबानी फ्यूचर ग्रुप में स्टेक बाय कर सकते हैं, या तो अमेजोन के जेफ बेसोस वो भी बातचीत कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप से, वो भी स्टेक बाय कर सकते। तो आगे हमें देखना है कि मुकेश अंबानी और जेफ बेसोस दोनों का जो इंटरेस्ट है फ्यूचर ग्रुप में, कौन फ्यूचर ग्रुप को बाय करते हैं। तो हम चलिए फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्या उसमें अभी कंडीशन है, कौन सा स्टॉक्स अभी तेज मोमेंटम दिखा रहा है और कौन सा स्टॉक्स जो लगातार फॉल कर रहा है। काफी तेजी आई थी सारे स्टॉक्स में फ्यूचर ग्रुप में जब से ये न्यूज आया, तो उसके बाद कौन सा स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फ्यूचर ग्रुप की कंपनी आया वो है फ्यूचर इंटरप्राइजेस। इसमें देख सकते हैं आज भी अपर सर्किट लगा, आज अपर सर्किट कुछ देर के लिए खुला था लेकिन फिर से इसमें अपर सर्किट 5% की तेजी अप्रॉक्स देखी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगातार 5 दिन, 1 महीना, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 month से भी लगातार इसमें अपर सर्किट है, और यहाँ से देख सकते हैं इसमें लगातार अपर सर्किट लगते गया और 105% का ये रिटर्न दे चुका है जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया। तो समझ सकते हैं काफ़ी तेज़ी देखने मिली जब से ये न्यूज़ आया कि जो मुकेश अंबानी जी है मतलब रिलायंस इसमें अपना स्टेक बाय कर सकती है। ओके, रिलायंस का जो रिटेल बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए वो फ्यूचर ग्रुप में मतलब फ्यूचर रिटेल में फ्यूचर के ग्रुप में जो बिजनेस है उसमें अपना स्टेक बाय कर सकता, मतलब जो कंट्रोलिंग स्टेक है रिलायंस ग्रुप वो फ्यूचर ग्रुप में बाय कर सकता है, मतलब मुकेश अंबानी जी कंट्रोलिंग स्टेक इसमें ले सकते हैं। साथ साथ जेफ बेसोस के जो अमेजोन के जेफ बेसोस है उनसे भी बात चल रही है, वो भी इंटरेस्टेड है इसमें, देखते हैं कौन जीतते हैं। तो ये देख सकते हैं ये स्टॉक्स काफ़ी मोमेंटम दिखाने के बाद अभी जो करेंट प्राइस है 70 रुपीज़ 35 पैसा फ्यूचर इंटरप्राइजेस का, वहीं आप इसमें जो है आप लगातार देख सकते हैं कि तेजी बना हुआ है, तो कभी भी इसमें लोअर सर्किट भी लगा देखते हैं, कभी ये स्टॉक्स 800 के आसपास हुआ करता था देखते हैं, फिर इसमें गिरावट आया था, फिर इसमें बीच में तेजी देखने मिली थी। तो लगातार ये स्टॉक्स जो है पिछले कई सालों से अंडर परफॉर्म रहा है, 2008 के बाद इसमें तेजी देखने बहुत कम मिली है। उसके बाद दूसरा जो फ्यूचर ग्रुप का है वह है फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन, इसमें भी देख सकते हैं आज काफ़ी तेजी था 3.09% का, इसमें तो अपर सर्किट नहीं लगा लेकिन इसमें भी काफ़ी तेजी 5 रुपीज़ का तेजी इसमें देखने मिला। और इस स्टॉक को देखते हैं तो इसमें भी 1 महीने से देखते हैं काफ़ी तेजी, 1 महीने में ये कितना रिटर्न दे चुका है 38% का, वही 6 month में बात करें तो देखते हैं ये काफ़ी डाउन है 6 month में। फ्यूचर ग्रुप की जो सारी कंपनियां हैं डेप्ट से पूरी तरह से दबी हुई है, मतलब कर्ज के बोझ से पूरी तरह से दबी हुई है, तो उस डेप्ट को कम करने के लिए जो इसमें किशोर बिरयानी जी है जो फ्यूचर ग्रुप के सीईओ और फाउंडर है वो इसमें स्टेक अपना सेल कर रहे हैं, मतलब उनके डेप्ट को कम करना है फ्यूचर ग्रुप के डेप्ट को, तो उसके लिए वो स्टेक जो है अपना सेल कर रहे हैं। तो ये देखना है आगे कि फ्यूचर ग्रुप में कौन जीतता है, मतलब कौन मुकेश अंबानी बाय करते हैं फ्यूचर ग्रुप को या अमेजोन के जेफ बेसोस। उसके बाद हमारा अगला है फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड। फ्यूचर कंज्यूमर देख सकते हैं इसमें भी काफ़ी तेजी देखने मिला है इधर पिछले जब से न्यूज आया है, तो यहाँ से देख सकते हैं अगर यहाँ से हम देखें तो ये स्टॉक्स मूव कर चुका है न्यूज आने के बाद 129%। तो समझ सकते हैं न्यूज आने के बाद 129% ये मूव कर चुका, अभी इसका करेंट प्राइस है 17 रुपीज़ 45 पैसा। देखते हैं आज ये 4.90% के साथ लोअर सर्किट में है फ्यूचर कंज्यूमर, इसमें लगातार जो है 130% तक का ये मूवमेंट दिखाया था पिछले जब से न्यूज आया था, उसके बाद आज इसमें लगातार लोअर सर्किट इसमें लगना शुरू हो गया, आज लोअर सर्किट के बावजूद ये 134% का रिटर्न दे रहा है, मतलब ये 140% का रिटर्न दे चुका था जब से न्यूज आया था इसमें कि जो रिलायंस है वो स्टेक ले सकते हैं या अमेजोन जो है वो स्टेक ले सकता है, तो जब से न्यूज आया था 140% का मूव और उसके बाद अब लोअर सर्किट। तो जो भी रिटेल इन्वेस्टर है वो लगातार अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे स्टॉक में जैसे आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं तो प्रॉफिट बुक करते रहिए, क्योंकि इसमें कब लोअर सर्किट फिर देख सकते हैं लगातार लगना शुरू हो गया। अगला है हमारा फ्यूचर लाइफ स्टाइल
लाइफ स्टाइल फैशन लिमिटेड। तो फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन लिमिटेड इसमें देख सकते हैं कि ये भी आज 4.21% का इसमें देख सकते हैं गिरावट आया है। तो लगातार ये सारी कंपनियां लगातार अपर सर्किट, बीच में फिर लोअर सर्किट, फिर अपर सर्किट देख सकते हैं। यहाँ पर आप चार्ट कुछ इस तरह का चार्ट है कि कभी अपर सर्किट, ये अपर सर्किट का, ये लोअर सर्किट का, ये लोअर सर्किट, फिर ये अपर सर्किट। तो लगातार जो है प्राइस में मोमेंटम देखने मिला है अपर सर्किट तो कभी लोअर सर्किट। तो इस फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन में इसमें कोई मोमेंटम नहीं आया न्यूज के आने से। ये अपने जिस प्राइस पे था अप्रॉक्स उसी पे बना हुआ है, फ्लैट है ये स्टॉक्स, इसमें खास कोई भी मोमेंटम देखने नहीं मिला है। अगला है हमारा फ्यूचर ग्रुप का फ्यूचर मार्केट नेटवर्क लिमिटेड। फ्यूचर मार्केट नेटवर्क लिमिटेड इसमें देखते हैं तो ये देख सकते हैं 5 डेज में लगातार अपर सर्किट लोअर सर्किट देखने मिला है। आज ये इसमें लोअर सर्किट लगा है 5% का। वन मंथ में बात करें तो वन मंथ में देख सकते हैं इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखने मिली थी, 86% की तेज़ी। तो समझ सकते हैं फ्यूचर ग्रुप के जो लगभग सारे फ्यूचर कंज्यूमर को छोड़ करके जितने भी स्टॉक्स है सब में तेज़ी थी, कोई 100%, कोई 140%, कोई 90%, तो इतना तेज था। तो अभी भी कई सारे स्टॉक लगातार अपर सर्किट को हिट कर रहे हैं, तो कोई स्टॉक्स लोअर सर्किट को हिट कर रहे हैं। उसके बाद जो फ्यूचर रिटेल, जो पेरेंट कंपनी है फ्यूचर ग्रुप की फ्यूचर रिटेल, तो ये फ्यूचर रिटेल देख सकते हैं आज इसमें लोअर सर्किट लगा हुआ है। 5 डेज में बात करते हैं तो देख सकते हैं लगातार अपर सर्किट इसमें लग रहा था। वन मंथ में बात करें तो लगातार देख सकते हैं पहले अपर सर्किट, फिर लोअर सर्किट, फिर अपर सर्किट। 6 मंथ में बात करें तो देख सकते हैं 6 मंथ में कुछ खास नहीं है, जब से न्यूज आया है तो ये 93% का मूव दे चुका है। जब से न्यूज आया 93% का रिटर्न दे चुका है जो भी इसमें इन्वेस्ट किए थे। तो जब से न्यूज आया तो न्यूज का बेनिफिट से लीजिए और न्यूज आप प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर सकते हैं, या आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर आपने लोअर लेवल पे बाय किया था तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स बाय करने के बाद काफ़ी मोमेंटम दिखा सकते हैं। अगर रिलायंस इसमें बाय करती है स्टेक्स या अमेजोन बाय करती है, तो जब तक बाय नहीं करता है तो इसमें के प्राइस में काफ़ी आपको उतार और चढ़ाव देखने मिल सकते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि वो 135 रुपीज़ पे जा चुका है, तो फिर से ये अपने लोअर प्राइस 60 रुपीज़ पे भी आ सकता है, उससे भी नीचे आ सकता है। तो लगातार अपर सर्किट लोअर सर्किट आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि इसमें जो स्पेकुलेशन है काफ़ी आपको ऊपर नीचे देखने मिलेगा। ये सारी कंपनियां थी फ्यूचर ग्रुप के जिसमें या तो रिलायंस या तो अमेजोन दोनों से बातचीत चल रहा है। अमेजोन भी इसमें इंटरेस्टेड है क्योंकि उसे भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है और ज़्यादा अपना मार्केट पर पकड़ बनानी है, और रिलायंस अपना जो रिलायंस रिटेल है उसे बेनिफिट्स के लिए उसे और घर तक पहुंचाने की, पहले से वो उसके कस्टमर बेस काफ़ी ज़्यादा है लेकिन उसको और मजबूती देने के लिए वो इसमें स्टेक बाय कर सकते हैं। तो अब हम आपको लगातार न्यूज़ से अपडेट रखेंगे आगे। तो आपको जो है फ्यूचर ग्रुप में कब कौन सा न्यूज़ आता है इस पे ध्यान देना है, और जैसे कोई भी स्टेक बाय करता है तो निश्चित है इसमें एक तेज मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको होल्ड करना चाहिए या नहीं, तो ये सारी डिसीजन आपको खुद रिसर्च करना है, अच्छे तरह से रिसर्च करना है, और फिर आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना है कि ये जो ग्रुप है अगर इसमें कंट्रोलिंग स्टेक लेते हैं रिलायंस, तो क्या ये कंपनियां लिस्टेड रहेगी या लिस्टेड नहीं रहेगी। तो सारी चीज़ें आपको आगे सोच लेनी है, फिर जाकर के आपको इसमें इन्वेस्ट करनी है, साथ साथ किस प्राइस पर बाय करना है ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप जितना लोअर प्राइस पर बाय करेंगे उतना अच्छा होगा। अगर आपने लोअर प्राइस पर बाय किया है तो आप होल्ड भी रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलता रहे।